मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरे के लड्डू बनाते हैं। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, कम टाइम में बन जाता है। ये बनाने के लिए मैंने ये आधा किलो मुरही लिया है। इसको थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, मार्केट से आता है तो हो सकता है क्रंची ना हो। गर्म करके 300 ग्राम गुड़ है इसके लिए। इसका सबसे पहले चाशनी रेडी करेंगे। चाशनी के लिए कढ़ाई को गैस पे चढ़ा के मैंने इस गुड़ को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें 1 से 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा नहीं ऐड करना है, नहीं तो टाइम लगता है चाशनी बनने में। इसका लगभग 2 तार का चाशनी बनता है। इसको गुड़ मेल्ट हो रहा है। इसको चेक करने के लिए उंगलियों से 2 उंगली पे लेके इसको चेक कर लेंगे। 2 तार का चाशनी इसके लिए बनाया जाता है। तिल के लड्डू से थोड़ा सा कम रहेगा इसका। अब ये लगभग चाशनी रेडी हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको मुढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं और इसको मिक्स करेंगे। पहले तो कलछी से या किसी भी चीज़ से मिक्स करेंगे। सारा चाशनी इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। उसके बाद हाथों से, हल्के हल्के हाथों से इसको अच्छे से चाशनी को मुढ़ी में मिक्स करेंगे और दबा के फिर इसका लड्डू बनाना शुरू करेंगे। दोनों हाथों में घी लगा के और इसको गोल गोल, छोटा बड़ा साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसको फटाफट गरम गरम में ही ये बनता है, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो इसका फिर इसको लड्डू बनाना मुश्किल हो जाता है। ये रेडी है हमारा मकर संक्रांति स्पेशल मुरमुरे के लड्डू। इसको बनाइए और अगर वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट।